कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोरात ने विधानसभा के सीएलपी पद से इस्तीफा दे दिया है। नासिक विधान परिषद चुनाव के बाद बाला साहेब थोरात और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बीच अनबन देखने को मिली थी। सोमवार 6 फरवरी को बाला साहेब थोरात ने नाना पटोले को लेकर कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखकर नाराजगी भी व्यक्त की थी। बाला साहेब थोरात ने पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वह नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में हुए नासिक विधान परिषद के चुनाव के सिलसिले में पार्टी के भीतर हुई राजनीति से परेशान थे। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई तब उजागर हुई जब बाला साहेब थोरात के बहनोई और नासिक के तत्कालीन एमएलसी सुधीर तांबे ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार होने के बावजूद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपने बेटे सत्यजीत तांबे को निर्दलीय चुनाव लड़वाया। बता दें कि नासिक विधान परिषद के चुनाव में सत्यजीत तांबे निर्दलीय लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। उन्होंने तब कांग्रेस पर उनके परिवार और थोरात को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया था। वहीं पत्र में थोरात ने जो कुछ लिखा है उससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नासिक विधान परिषद चुनाव में पूरे समय राजनीति हुई। बाला साहेब थोरात ने लिखा, मैं इससे दुखी और परेशान हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों की कड़ी आलोचना हुई जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान मेरे बारे में भ्रम और गलत फहमी पैदा करने का प्रयास किया गया। मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूं और जीवन भर कांग्रेसी रहूंगा। 2 फरवरी को परिणाम सामने आए तो सत्यजीत तांबे चुनाव जीत गए। इस जीत के साथ ही कांग्रेस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले में बाला साहेब थोरात की चुप्पी को पिता पुत्र की जोड़े के मौन समर्थन के तौर पर देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।